नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस एमपी। बंगला बगीचा मुद्दा इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव से पहले गरमाया हुआ है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है समाजसेवी और युवा नेता और एक एडवोकेट अमित शर्मा, जो जिन्होंने भी बंगला बगीचा मुद्दे को लेकर जो है उनकी पीड़ित है, जो बंगला बगीचा रहवासी है उनकी पीड़ितों की आवाज़ जो है सरकार के नक्कार खाने तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर जो उठाई है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अमित जी, आपका स्वागत है। अब जो एक नया नियम निकाला है, जिस तरह अभी निर्देश दिया गया कलेक्टर ने कि 30 दिनों में जो है बंगला बगीचे की मुद्दे की जो व्यवस्थापन की फाइलें उन्हें निपटाना है और विलंब शुल्क जो है इनको देना पड़ेगा, तो क्या माना जाए इसको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रयास करा था कि जो बंगला बगीचा मुद्दा जो बरसों से चला आ रहा है उसका समाधान करने का, परंतु उस प्रयास में कुछ खामियां रह गई है। अब वो खामियां जो हैं वो बंगला बगीचा की जो जनता है उसके लिए नासूर बनती जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड जो शासन द्वारा बैठाया गया है उसके काम करने की गति बहुत धीमे है। वो जिस गति से काम कर रहा है वो गति अत्यंत धीमे है और उस गति से आज तक जो है मात्र 4 वर्षों में लगभग 600 प्रकरण जो है वो उनका निराकरण हो पाया है। 1700 के लगभग आवेदन आए हैं, 1100 फाइलें अभी भी पेंडिंग है। अब वो फाइलें पेंडिंग हैं जो उनका तो निराकरण हो नहीं पाया, और एक तुगलकी फरमान जो है शासन प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया कि 30 दिन में आप जो है अपना आवेदन प्रस्तुत करो, नहीं तो विलंब शुल्क के साथ आपका आवेदन, वर्तमान में जो आवेदन लगेगा वो तो विलंब शुल्क के साथ प्रस्तुत करो, उसके अतिरिक्त यदि आपने 30 दिन में आवेदन नहीं करा तो आपके विरुद्ध जो है लोक परिसर बेदखली अधिनियम की कार्रवाई करके और आपका जो है मकान है, आपकी भूमि है, आपका भवन है, उस पर जो है शासन कब्जा कर लेगा, प्रशासन कब्जा कर लेगा। तो ये एक प्रकार का तुगलकी फरमान है और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे उसमें विधायक हो चाहे सांसद हो, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए इस ओर जो है मेरे द्वारा ये मांग उठाई गई है कि आप जो है यदि आपके इसमें जो आप कानून लाए हो व्यवस्थापन के लिए इसमें कोई कमी है तो उस कमी को दूर करो, क्योंकि आपको जनता ने कुर्सी पर बिठाया है, पद पर बिठाया है कि आप जनता को जो है उनकी सेवा करोगे, जनता के काम करोगे, जनता के जो परेशानियां हैं तकलीफें उसको दूर करोगे, परंतु जो है आपने दूर करने की जगह एक नई तकलीफ जनता को दे दी है कि आप जो है एक विलंब शुल्क भरो। विलंब शुल्क जो है अभी व्यवस्थापन अधिनियम लागू हुए लगभग 43 माह हो चुके हैं, 1% की दर से हर माह का विलंब शुल्क भरना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक मकान है और मेरे मकान का जो है कुल ओवर टैक्स जो है मेरे को भरना है व्यवस्थापन में 2 लाख रुपये भरना है, तो ऐसे में 2 लाख भरना है तो हर महीने का 2000 के हिसाब से 43 महीने का जाके 86,000 रुपये मेरे को विलंब शुल्क भरना है। वर्तमान समय में लोगों की कोरोना काल के कारण परिस्थितियां ऐसी है कि उनका घर चलाना, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, रोजगार जो है वो एकदम ठप्प पड़ चुके हैं, लोगों के रोजगार छीन चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं लोग, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने कमाने का साधन नहीं है, और वो जो है वो आपको विलंब शुल्क इतना अधिक कहाँ से देंगे? तो आपको जनता ने बिठाया है कुर्सी पे, क्यों बिठाया है कि आप जनता के दुख तकलीफ समझो, उसका निराकरण करो, परंतु आप कान बंद करके बैठे हो कि हमने तो व्यवस्थापन अधिनियम लागू कर दिया और हमको नहीं सुननी है किसी की बात। तो ये सरासर गलत है और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए जब जनता एक बार यदि सड़क पर आ गई तो बहुत स्थिति खराब होने की भी संभावना है इसमें। अमित जी, हिबानामा और हिंदू बंटवारा भी मुख्य दस्तावेज माने जाते हैं, व्यवस्थापन में इनको नहीं लिया जा रहा, और जबकि देखा जाए तो 2010 में रजिस्ट्री कलेक्टर द्वारा बंद कर दी गई थी, तो वो रजिस्ट्री बंद कर दी तो अब वो रजिस्ट्री लाएंगे कहाँ से? व्यवस्थापन अधिनियम की सबसे बड़ी खामी जो है वो खामी ये है कि आपने कह दिया कि वैध पंजीकृत दस्तावेज लाओ। अब वैध पंजीकृत दस्तावेज है, जैसे एक व्यक्ति के पास रजिस्ट्री तो है परंतु उसके जो हैं पूर्वज हैं जिनके माध्यम से उसके पास वो संपत्ति आई है उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो परिवार में बंटवारा होता है, या जिसकी मृत्यु हुई वो वसीयत छोड़ के जाता है, या फिर जो है हिब्बानामा होता है उसके अनुसार जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है केंद्र सरकार ने लागू कर रखा है। संपत्ति अंतरण अधिनियम से जो है किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, एक्ट पूरे हिंदुस्तान में लागू है।
परंतु आप एक अधिनियम लाए और अधिनियम में आपने लिख दिया वैध पंजीकृत दस्तावेज, और फिर आप वहाँ पर जो है बहरे बन के बैठ गए, किसी की बात नहीं सुन रहे हो। जो आपके वहाँ पर अधिकारी व्यवस्थापन अधिकारी हैं वो कह रहे हैं हम कोई नहीं कुछ नहीं मानेंगे, हम कोई वसीयत नहीं मानेंगे, नोटराइज्ड वसीयत नहीं मानेंगे, हिब्बानामा नहीं मानेंगे, बंटवारा तुम्हारे परिवार का नहीं मानेंगे, हम तो सारे वारिसों के नाम चढ़ाएंगे। तो ये आपने जनता को तकलीफ में डालने का काम कर दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और वैध पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर यदि जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम का नियम भी साथ में लागू होगा और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होगा और उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। क्योंकि न्यायालय भी ये कहता है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, हर न्यायालय ये कहता है कि कोई भी संपत्ति है जिसका अंतरण किया जाना है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत किया जाना चाहिए। परंतु आप अपनी दादागिरी करके एक गलत एक्ट लाके उसको आप इस प्रकार से लागू कर रहे हो, तो ये सरासर गलत है। और यदि आप में जरा सी भी मानवता है और बंगला बगीचा वालों के प्रति जरा सी भी आपके अंदर इंसानियत है बाकी है, आप उनसे प्रेम रखते हो, आपके आप ये समझते हो कि वो हमारी जनता है, तो आप मुख्यमंत्री के सामने जाओ, आवाज़ उठाओ और कहो कि इस अधिनियम में जो है कमी है, जनता से सुझाव मांगो, उस कमियों को दूर करो, और उन कमियों को दूर करके जो है आप जो है जनता को ये दिखाओ कि आपने हमको सही चुन के भेजा है। अमित जी, एक सवाल मेरा है कि मास्टर प्लान के तहत जो कंट्रोल टाउन ऑफ कंट्री है उसके अंदर बंगला बगीचा वासियों की जो फाइलें वहाँ भेजी जा रही है कि नहीं, ये जो है एक्ट जो ये इन्होंने जो अधिनियम बनाया है ये ऐसा नहीं लगता कि जनता की परेशानी खत्म करने के लिए बनाया है। ये जनता को परेशान करने के लिए, उलझाने के लिए बनाया गया ऐसा एक्ट लगने लगा है। अब आम जनता को जो महसूस हो रहा है, जिस प्रकार से जो है कई फाइलें जो हैं, जब टाउन एंड कंट्री था ही नहीं, नगर तथा ग्राम निवेश था ही नहीं, जब पूरी कॉलोनियां बस गई, जब आपने ध्यान नहीं दिया, जब आपके नामांतरण हुए, जब आपने निर्माण अनुमतियां भी दी, और उसके पश्चात जब अब जब व्यवस्थापन कराना है तो आप कह रहे हो कि टाउन एंड कंट्री से परमिशन लाओ, टाउन एंड कंट्री में फाइलें भेज दी, तो ये क्या कर रहे हो आप? जनता को एक तरीके से आपने जो है अपना गुलाम बना के रख दिया है। ये तो अंग्रेजों द्वारा जो लागू किए गए कानून से भी खतरनाक कानून साबित हो रहा है ये तो। तो इसमें जो है जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और अपनी मांग जो है इन तक पहुँचानी पड़ेगी, नहीं तो जिस प्रकार से ये अधिनियम लागू करने का पालन करने का कार्य कर रहे हैं तो काफ़ी तकलीफें आने वाली है, और शहर में एक उग्र आंदोलन इसके पीछे हो सकता है। आपने भी ये उग्र आंदोलन की चेतावनी जो है स्थानीय प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दी है, अगर बंगला बगीचे वासियों की अगर मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन जो आप अनशन पर बैठेंगे, तो क्या माना जाए, कब से आप जो है अगर बात मानी नहीं? मैं अभी तो मैंने शुरुआत करी है और मैंने प्रेस नोट जारी करे हैं, कुछ पत्र जो है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उसके अतिरिक्त जो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि कल मुझे मिले थे, विधायक महोदय मिले थे और भाजपा जिलाध्यक्ष भी मिले थे, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि आप इसको संशोधन करवाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली, क्योंकि वर्तमान समय में जो स्थिति है बिगड़ती जाएगी तो बहुत परेशानी आएगी। परंतु मैं खुद एक बंगला बगीचा का रहवासी होने के नाते और पीड़ित होने के नाते अपने अधिकारों के लिए जो है जल्द ही इस चीज़ की घोषणा करेंगे कि धरना प्रदर्शन शुरू होगा, और नहीं है इन्होंने कोई सुनवाई करी तो आमरण अनशन तक भी जाना पड़े तो बिल्कुल जाएंगे। तो ये थे एडवोकेट अमित शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो है एक नया तुगलकी फरमान जो है स्थानीय प्रशासन ने जारी कर दिया, क्योंकि पहले ही बंगला बगीचा वासी जो परेशान थे क्योंकि उनका व्यवस्थापन में कई लोगों ने जो है कानूनी अड़चनें इतनी खतरनाक थी उसके चलते जो उन्होंने व्यवस्थापन में भाग नहीं लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि विलंब शुल्क भी अब जो बंगला बगीचा वासियों को देना है। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।